तो हम सबके लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन का बाहर से हम लोग, आप जो नहीं कर सकने वाला चीज को हम लोग नहीं मांग रहा है, आप कर सकता है, आसान से कर सकता है, चाहे तो विद इन सेकेंड में भी कर सकता है। इसलिए मेरा अपील है कि हम हमारा चांस को बनाने दिया जाए, यही कहेगा। तो ये एक मजबूरी स्थिति में हम लोग आज इसको करना पड़ा है। हम लोगों का कोई ऐसा इरादा नहीं है कि इस प्रकार से बोला है। इस विषय में हम सरकार से बहुत बार निवेदन, बहुत बार हम लोग प्रस्ताव रखा, लिखित में रखा, लेकिन हम कहीं में भी न्याय दिखाई नहीं। ये धरना जो है आप जानते हैं, देखा है, इसमें पीसफुल धरना हम लोग ऑलरेडी बताया, यानी कि ये एक शांति का धरना है। हम लोग यहाँ पर किसी को बेर नहीं, सिर्फ अपना हक को, अपना जो है न्याय को मांगने के लिए हम लोग इसको जो है रखा दिया। आज हमारा एक ही मुद्दा है कि हमें न्याय चाहिए। अगर इसमें कोई काम कर रहा है न्याय दिलाने में, इसको जो है धर्म का नाम से बांटना चाहता है या अलग अलग ढंग से इसको इंटरप्रेट करना चाहता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण। हमारा कोई इसमें कोई इंटेंशन नहीं है। हम लोग जो एक ही लक्ष्य है, हमारा चर्च बना रहा है, उसको बनाने दिया जाए। 21 साल से हम लोग वहाँ पे रह रहे हैं, हमारा आदमी रो रहा है वहाँ पर, उसको जो है न्याय दिला जाए। दुआंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अलॉटमेंट के लिए यहाँ भेजा है, 2 साल हो गए, और दुआंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ में नहीं है। मेन मिनिस्टर को साइन करने से अप्रूव होता है, और साइन नहीं करा है 2 साल से पेंडिंग, इसलिए ये धारणा। नेक्स्ट स्टेप अभी हमारा ऑनरेबल आरडब्ल्यूडी मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बताया कि एक कमिटी बना रहा है गवर्नमेंट ना, कमिटी बना के रिजोल्व कर देगा बोल रहा है। रिजोल्व होता है तो ठीक है, नहीं होने से हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट हम लोग जारी रहे। एजुकेशन सेक्टर जैसे कि अरुणाचल का जैसा दूर दराज इलाका, कुछ डिमांड नहीं है, एक ही डिमांड है। तुआंग में दो चर्च है ना, और 2 चर्च का अलॉटमेंट के लिए तुआंग डीसी ने यहाँ रिकमेंड करके भेजा हुआ है, वो अलॉटमेंट दे दीजिए। सेक्युलर कंट्री है तो आप क्या मानते हैं कि तवांग में सेक्युलरिज्म नहीं चल रही है क्या? अगर चर्च को बनाने के लिए मना किया जा रहा है स्कूल अरुणाचल में, पता नहीं तवांग का ये ऐसा बुद्धिस्ट मॉन्क या बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से अपोजिशन नहीं है। उधर में कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो होता है ना, बहुत आजकल तो एनजीओ एवरीवेयर है ना, तो ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन में अपोज कर रहा है। और लोग को हम लोग अपील करता है कि सेकुलरिज्म का ऊपर उठ के काम मत करिए ना, सेकुलरिज्म को सब मेंटेन करना है। आप देखिए ईटानगर में जो हिंदू लोग आया है, यहाँ में किसी का परमानेंट घर है, वो नौकरी करने के लिए आया है या यहाँ में बिजनेस करने आया है या वो कोई भी एक फील्ड में आता है ना, तो उन लोगों के लिए हम लोग यहाँ मंदिर खोलने देता है, टेम्पल खोलने देता है, क्योंकि दे नीड अ प्लेस ऑफ वर्शिप ना। तो इसी तरह तुआंग में भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, कोई गांव तो नहीं है, तो हमारा उधर में नौकरी में गवर्नमेंट से ट्रांसफर पोस्टिंग ऑफिस आता है, उनको संडे में क्रिश्चियन लोग को वार्डशिप जगह चाहिए, और वो 20 ईयर से अबव से चल रहा है, चलने दीजिए। यही है हम लोग देखिए, रिलीजन क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, धोनी पोलो हो, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, हम लोग सब मिलकर रहना है, और सभी रिलीजन को हम लोग ज्यादा वेलकम करना है। मगर तुआंग में ये जो हो रहा है, हम बार बार बोल रहा हूँ, वो तुआंग का बुद्धिस्ट सोसाइटी अपोज नहीं कर रहा, बुद्धिस्ट रिलीजन का ऑथोरिटी लोग नहीं बोल रहा है ना, ये कोई एनजीओ है हम लोग को पता नहीं। अभी बोला है भारत तिब्बत मंच, उसने कंप्लेन दिया, हम लोग को एक कंप्लेन कॉपी दिया है आरटीआई कॉपी में ना, तो हम लोग चाहता है कि भारत तिब्बत जो मंच है हमारा, ये अरुणाचल इंडिया में जो पीस बना है ना, वो शांति भंग ना कर, जो प्यार है हमारा बीच में, मोहब्बत है हर एक घर में, और रिलीजियस पॉलिटिक्स मत करिए। ऐसा संगठन जो है ना, यहाँ आकर के आप हिंदू से क्रिश्चियन को लड़ाएगा, मुस्लिम से बुद्धिस्ट को लड़ाएगा, ऐसा नहीं होना है। हम लोग एक पीसफुल जगह है अरुणाचल, पीसफुल हम लोग को रखने दीजिए। हम अभी भी भाषण में बोला है, हमारे यहाँ धोनी पोलो है, हम लोग धोनी पोलो को रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि धोनी पोलो भी अपना एक बिलीव है ना, और जो हम लोग क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन को भी बाकी लोग रिस्पेक्ट।